अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपने सेकुलर प्लांट्स को एक लीव से हम इसको ना ग्रो करेंगे कि किस तरह से ये ग्रो होती है। ये मेरा पॉट है, इसमें मैंने मिट्टी बनाई हुई है। फ्रेंड्स, ये मेरा पॉट है, इसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल और 50% इसमें मैंने सैंड लिया है, क्योंकि सेकुलर प्लांट्स के लिए जो सॉइल मिक्स है वो इसी तरह बनती है, इसमें कि इसको रेतीली मिट्टी पसंद है। तो हम एक लीव से इसकी जो एक लीव है वो लेंगे और उससे हम और मज़ीद पौधे बना सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमने एक लीव निकालनी है इस तरह से, और ये बस इस तरह हमने इस तरह पॉट में रखनी है। और ये आप हल्का हल्का इसमें पानी डालना है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हमने सिर्फ स्प्रे से थोड़ा थोड़ा पानी देना है। और तकरीबन 20 से 25 दिन लगेंगे इसको और ये अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ 20 से 25 दिन के बाद का रिज़ल्ट कि किस तरह से एक लीव से किस तरह से ग्रो कर रहा है सेकुलेंट हमारा। और सेकुलेंट को हमें धूप में रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको धूप मिल जाए तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और इसको बस खुली सनलाइट मिलनी चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर इसको अच्छी तरह से थोड़ी बहुत दिन की धूप आ जाए। और इसके अलावा इसको पानी की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, यानी कि 3 से 4 दिन बाद 5 दिन बाद हम इसको पानी देंगे तब भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर लेता है। तो चलिए अब मैं आपको 15 दिन या 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट बताऊंगी। 15 दिन बाद मिलते हैं और हम बताते हैं, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो फ्रेंड्स, ये है 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट। ये माशाल्लाह से देखें कितना ग्रो कर गया है, इसकी ये छोटी छोटी लीव्स निकल आई हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा ग्रो कर गया है। और ये इसी तरह सिर्फ इसको ज़रूरत नहीं होती अंदर मिट्टी में दबाने की, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं पत्तियाँ तोड़ के आप यहाँ रख दें, ये मेरा एक और प्लांट तैयार हो जाएगा सेकुलेंट का। तो सेकुलेंट के लिए मैंने आपको बताया कि इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती और ना ही मैं इसको इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र देती हूँ, बहुत कम फर्टिलाइज़र कभी कभार दे देती हूँ। और बस इसको 2-3 घंटे की धूप में इसको रख दें और पानी का इसका ख्याल रखें तो बहुत अच्छी तरीके से सेकुलेंट चलता है। ये आप देख सकते हैं मेरा सेकुलेंट, ये आप देखें माशाल्लाह कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी पत्तियां हैं। इसको भी मैंने इसी तरह किया था, ये पहले तो इतना अच्छा नहीं चलता था, लेकिन जब मुझे इसका सही पता चल गया कि किस तरह से इसको कितना पानी और कितनी धूप की ज़रूरत है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें भी मेरी मैंने पत्तियाँ डाली हुई थी। तो ये भी देखिए, ये भी इसमें ग्रो कर गई हैं। अब ये भी एक अलहदा से एक प्लांट्स बन जाएगा, किसी और पॉट में मैं लगा दूँगी इसको, तो ये वो भी तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।